हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ व्रत में बनाए जाने वाले आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये आलू फ्राई मैं बस दो चीज़ों से मिला के बना रही हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने 14 से 15 के करीब आलू लिया है, जिसको मैंने बॉयल करके पीस में कट करके यहाँ पे एक बाउल में रख लिया है। और यहाँ सेकंड प्लेट में हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस पेस्ट में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब धनिया पत्ती और दो लाल मिर्च, चार हरी मिर्च और एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ काली मिर्च लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हम एक ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लिए थे और फिर इस पेस्ट को हमने यहाँ एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ हम कढ़ाई गर्म होने के लिए सबसे पहले रख देंगे। उसमें डाले हैं 3 चम्मच के करीब रिफाइंड, इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी ऑयल को अच्छे से हम फैला लेंगे कढ़ाई के चारों तरफ। अब इसमें हमें डालना है ये बॉयल किया हुआ आलू। अभी ऑयल में हम अच्छी तरीके से आलू को मिक्स कर देंगे और हमें इस आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब इसमें हमें डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद हम आलू को 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरीके से छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और हमें तब तक चलाना है जब तक इसका थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। तो लीजिए, 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं आलू का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें हमें डालना है ये पेस्ट, ये धनिए का पेस्ट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वही पेस्ट अब इसमें हम डाल देंगे। और इसको भी हम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ के और देंगे और फिर पकाते रहेंगे। और इस धनिया आलू फ्राई को आप बीच बीच में चलाते रहिए कि अंदर से लगे ना। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। बस इसे हम लो फ्लेम पे और थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर से हमें एक बार और चलाना है। आप देख सकते हैं अब ये एकदम तैयार हो चुका है। अब इसे आप गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर लें। तो लीजिए, मैंने यहाँ एक प्लेट में इस धनिया आलू को निकाल लिया है और ये प्लेट में कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें चाहे तो आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। अगर आपको मूंगफली पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मूंगफली भी आप ऐड कर सकते हैं और साबूदाना भी आप खाते होंगे व्रत में, तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने पसंद की धनिया आलू फ्राई बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये इजी सी धनिया आलू फ्राई कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को भी वॉच कीजिए, उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं मिलूँगी मैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।